सब्सक्राइब को लियानी ऑनलाइन क्लासेस चैनल फॉर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है कल्याणी ऑनलाइन क्लासेस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत जो हमारे वीडियोस हैं इसमें। दोस्तों, अध्यापक शिक्षा टीचर एजुकेशन का ये हमारा पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अध्यापक शिक्षा है टीचर एजुकेशन उससे जुड़े हुए कुछ मुद्दों पर, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर, और साथ ही साथ बात करेंगे कि वो कौन कौन से फैक्ट हैं टीचर एजुकेशन के जो मतलब जो परीक्षा है यूजीसी नेट की हुई या असिस्टेंट प्रोफेसर की हुई इसके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों, इसके साथ साथ जो उसका नेक्स्ट अगला वीडियो है दोस्तों, उसमें मैं आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित जो करीब 50 क्वेश्चन हैं वो मैं क्वेश्चन आपको दूंगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और याद रखिएगा, इस बार चाहे आपका जीएस वाला पोर्शन हो उसमें से भी कुछ क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। और हो सकता है कि आपके जो टीचर एजुकेशन है, टीचर एजुकेशन में जो उसका हायर एजुकेशन का पार्ट है उससे भी आपको कुछ क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपको मिले। तो दोस्तों, शिक्षक शिक्षा या अध्यापक शिक्षा के बारे में इस वीडियो में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन प्रश्नों को आपको तैयार करना है और जो प्रश्न शायद आपके एग्ज़ाम में भी आएँ। व्यस्तताएँ बहुत हैं दोस्तों, इसी कारण शायद ये वीडियो कुछ 2-3 दिन लेट हो गया है। समय निकाल रहा हूँ और प्रयास कर रहा हूँ कि आपको समय निकाल कर मैं वीडियो दे सकूँ। ड्यूटीज़ इतनी हैं, इलेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि वो ड्यूटी का एक पार्ट है, उसको करना ज़रूरी है। उसी के मद्देनज़र ये सारा जो है देर हो रही है, लेकिन आप विश्वास करिए। और रही बात एग्ज़ाम की, मेरे को लगता है कि एग्ज़ाम शायद, मुझे ऐसा लगता है कि अपने टाइम पर ना हो, यह एग्ज़ाम ज़रूर पोस्टपोन होगा क्योंकि समय को देखते हुए और कंडीशंस को देखते हुए जैसे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन इस एग्ज़ाम को अपने समय पर करा पाएगा। चलिए, जो भी डिसीज़न हो दोस्तों, एग्ज़ाम समय पर हो या ना हो, लेकिन आप ये मानकर चलें कि एग्ज़ाम समय पर ही होगा और इसी को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी भी कीजिए। तो दोस्तों, बिना कोई देर की आइए अपना हम शुरू करते हैं अपना आज का हम वीडियो, अध्यापक शिक्षा टीचर एजुकेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन ऑब्लिक बीएड एंड यूजीसी एनटीए नेट। दोस्तों, एक बात वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हाँ, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना न भूलें और जो भी दोस्त हैं वो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, ताकि जितने भी हमारे साथी हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इस एग्ज़ाम की, वो इसका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, आइए बिना कोई देर के शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, टीचर एजुकेशन अध्यापक शिक्षा पार्ट 1। पहले प्रश्न पर हम आ गए हैं, बात करते हैं पहले प्रश्न पर। शिक्षण के लिए अध्यापक अधिगमकर्ता और डैश का होना ज़रूरी है, मतलब जो हमारे चार ऑप्शन हैं उसमें से किसका होना ज़रूरी है। ऑप्शन पहला है आपका पाठ्यक्रम, दूसरा ऑप्शन है पाठ्य वस्तु, तीसरा ऑप्शन है सहायक सामग्री और चौथा ऑप्शन है कक्षा गृह। तो दोस्तों, ये चार ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन में एप्रोप्रिएट जो आंसर है वो हमें इसके अंदर फिल करना है कि शिक्षण के लिए अध्यापक अधिगमकर्ता और किसका होना आवश्यक जरूरी है। तो इसमें दोस्तों जो सही उत्तर है वह पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का होना शिक्षण के लिए अध्यापक अधिगमकर्ता और पाठ्यक्रम का होना ज़रूरी है। ये दोस्तों इसका उत्तर था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रशिक्षण के लिए डैश का होना ज़रूरी है। दोस्तों, प्रशिक्षण के लिए किस चीज़ का ज़रूरी है होना? अध्यापक का होना ज़रूरी है, पाठ्यक्रम का होना ज़रूरी है, पाठ्य पुस्तक का होना ज़रूरी है, सहायक सामग्री का होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, प्रशिक्षण के लिए जो ज़रूरी है वो ज़रूरी है अध्यापक का, क्योंकि आप प्रशिक्षण किसे देंगे? निश्चित तौर पर आप प्रशिक्षण किसी अध्यापक को ही देंगे। तब हम बढ़ते हैं। तर्क प्रमाण आदि का अधिक प्रयोग डैश किया जाता है, मतलब तर्क का प्रमाण आदि का जो अधिक प्रयोग किस जगह किया जाता है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है, अनुदेशन में किया जाता है, प्रशिक्षण में किया जाता है,
प्रतिपादन में किया जाता है या आदत निर्माण में किया जाता है। तो दोस्तों तर्क और प्रमाण का जो अधिक प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है अनुदेशन में। सही उत्तर इसका अनुदेशन है। अनुदेशन में तर्क का और प्रमाण का अधिक प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE नामक संवैधानिक निकाय का गठन किस वर्ष किया गया? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा भी गया है। इस प्रश्न में दो तीन चीज़ें हैं, आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है इस प्रश्न का जब उत्तर आपको देना है। ऑप्शंस हमारे 1986 है, 1992 है, 1995 है और 1998 है। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, जो NCT है इसकी जो स्थापना हुई थी, जो स्टार्टिंग हुई थी इसकी, ये हुई थी 1973 में। 1973 से ये जो है NCT राज्य सरकारों के लिए और केंद्र सरकार के लिए एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य कर रही थी, ठीक, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और इस निकाय को जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है 1993 में। 1993 में एक संस्था संवैधानिक इसको दर्जा प्राप्त हुआ। और जो इसका गठन माना जाता है, किस वर्ष इसका गठन किया गया, तो दोस्तों उसमें जो सही उत्तर दिया जाता है वो 1995 दिया जाता है। 1995 में इसकी मतलब ये जो है आपका NCT इसको स्थापित किया गया है। लेकिन इस बात में आपको ध्यान क्या देना है इस क्वेश्चन में कि अगर 1995 ऑप्शन में ना हो, 1973 हो, 1973 हो, तो आपको 1973 भी इसका आंसर कर सकते हैं। अगर नहीं हो तब, अगर हाँ दोनों दिया है तो इसका सही उत्तर 1995 ही होगा। ये ध्यान रखिएगा कि एक मतलब एक 1973 से जो काम कर रही थी, एक मतलब उसके लिए स्वतंत्र निकाय के रूप में काम कर रही थी, एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम कर रही थी 1973 से, और 1993 में इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और 1995 में इसकी विधिवत रूप से इसका गठन किया गया और ये जो है NCTE 1995 में जो है अपने मतलब इसकी शुरुआत हुई। तो इसका सही उत्तर 1995 है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE है क्या? है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन एक स्वायत्त संस्था, एन ऑटोनोमस बॉडी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, ऑप्शन बी है एक संवैधानिक निकाय, ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, थर्ड ऑप्शन है एक स्वतंत्र इकाई लेकिन सरकार के प्रति उत्तरदायी, एन ऑटोनोमस बॉडी रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द गवर्नमेंट, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो सही उत्तर है, जो NCTE है वो एक वैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है हमारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। NCTE का मुख्यालय स्थित है, तो दोस्तों जो NCTE है इसका मुख्यालय, इसके चार ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए है भुवनेश्वर, ऑप्शन बी है मद्रास, ऑप्शन सी है अजमेर और ऑप्शन डी है नई दिल्ली। तो जो दोस्तों उसका सही उत्तर है वो है नई दिल्ली, न्यू दिल्ली जो है NCTE का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। NCTE के अध्यक्ष कौन है? द चेयरमैन ऑफ NCTE इज, ऑप्शंस हमारे हैं सरदिंदु, विनित जोशी, JS राजपूत या अख्तर सिद्दीकी। तो दोस्तों एट प्रेजेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, इस समय प्रेजेंट में जो है NCTE के जो अध्यक्ष हैं वो हैं विनित जोशी। विनित जोशी जी इस समय NCTE के अध्यक्ष हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस शैक्षिक समिति ने NCTE को ख़त्म करने की अनुशंसा की थी? हमारे ऑप्शंस हैं आनंद स्वरूप समिति 2000, ऑप्शन बी है सुदीप बनर्जी समिति 2001, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2009 और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो राष्ट्र शैक्षिक जो समिति थी जिसने NCTE को ख़त्म करने की अनुशंसा की थी वो थी ऑप्शन बी सुदीप बनर्जी समिति 2001। इस समिति जी ने कहा था कि NCTE को समाप्त कर दिया जाए।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक शिक्षण की विधि नहीं है। ऑप्शंस हैं हमारे व्याख्यान लेक्चर मेथड, प्रदर्शन विधि डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रस्तावना इंट्रोडक्शन और प्रयोगशाला लेबोरेटरी। तो दोस्तों जो शिक्षण विधि इनमें से नहीं है वह प्रस्तावना है, इंट्रोडक्शन जो है शिक्षण विधि नहीं है, बाकी उसके अलावा जो व्याख्यान है व्याख्यान विधि है, लेक्चर मेथड वो भी एक शिक्षण विधि है, प्रदर्शन डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड वो भी एक शिक्षण विधि है, और प्रयोगशाला जो लेबोरेटरी मेथड है वो भी एक हमारी शिक्षण विधि है। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक शिक्षक विद्यार्थियों में विचारों को मुख्य रूप से अभिव्यक्त करने का कौशल विकसित करना चाहता है, वह निम्न विधियों का प्रयोग करेगा। क्वेश्चन एक बार दोस्तों दोबारा देख ले। एक शिक्षक विद्यार्थियों में विचारों को मुख्य रूप से अभिव्यक्त करने का कौशल विकसित करना चाहता है, कौन सी विधि का प्रयोग करेगा। हमारे सामने ऑप्शंस हैं हमारे व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन विधि, ऑप्शन सी है भ्रमण एक्सकर्सन, और डी है समूह विचार विमर्श ग्रुप डिस्कशन मेथड। तो दोस्तों अगर एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में विचारों को मुख्य रूप से अभिव्यक्त करने का कौशल अगर विकसित करना चाहता है तो उसके लिए अप्रोप्रिएट आंसर होगा समूह विचार विमर्श, जो ग्रुप डिस्कशन होता है। ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से क्या होता है, विद्यार्थियों के अंदर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का जो है मौका मिलता है और उनके अंदर एक कौशल विकसित होता है जिससे वो क्या होता है अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो समूह विचार विमर्श इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अध्यापक ने कक्षा में एक नया प्रयोग करके दिखाया तो कक्षा में शोरगुल बढ़ गया, इसमें अध्यापक क्या करेगा। दोस्तों स्थिति कभी कभी ऐसी आती है कि अगर हम कोई नई चीज़ करते हैं तो बच्चे इजीली उसको एक्सेप्ट नहीं करते, अगर उसके अंदर कोई कमी होती है, रोचकता की कमी होती है, तो आप बीइंग अ टीचर इसमें क्या करेंगे। ऑप्शंस हमारे हैं, बच्चों को शांत होने को कहकर उस प्रयोग में कुछ रोचक प्रसंग जोड़ेंगे, ऑप्शन बी है यह बच्चों की स्वाभाविक क्रिया है ये सोचेंगे, सी उन पर कोई ध्यान देंगे, या डी प्रयोग दिखाना बंद कर देंगे। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन ए है कि बच्चों को शांत होने को कहकर उस प्रयोग में कुछ रोचक प्रसंग आप जोड़ देंगे जिससे बच्चों का इंटरेस्ट जो है उसके प्रति पैदा हो जाए। अगला प्रश्न है, बच्चे शिक्षक का आदर करते हैं क्योंकि। देखिए दोस्तों एक बड़ा सही पूछे तो एक टिपिकल सा क्वेश्चन है, शिक्षक अनुशासन में रहते हैं, शिक्षक उन्हें पढ़ाते हैं, वे शिक्षक से डरते हैं, या शिक्षक विद्वान होते हैं। दोस्तों कई उत्तर इसके हो सकते हैं। अगर आदर की बात करें तो बच्चे आदर उन्हीं शिक्षकों का करते हैं जो शिक्षक उन्हें अच्छे से पढ़ाते हैं। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन होना चाहिए, शिक्षक उन्हें पढ़ाते हैं। कई जगह मैंने इस क्वेश्चन का उत्तर सी भी देखा है, वे शिक्षक से डरते हैं। अगर डरते हैं तो हाँ, आदर करना और डरना दो अलग अलग बातें होती हैं। मैं ये जहाँ तक मानता हूँ कि अगर आप एक अच्छे शिक्षक हैं और आप अपने विषय पर बहुत अच्छा कमांड रखते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं बच्चों को, तो निश्चित तौर पर विद्यार्थी जो है आपका आदर और सम्मान करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक शिक्षक का मुख्य कार्य है, ऑप्शंस हमारे सामने हैं, परीक्षा पूर्व पाठ्यक्रम पूरा कर लेना, ऑप्शन बी है मूल्यांकन करना, ऑप्शन सी है पूर्व निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति, ऑप्शन डी है बच्चों को दंड देना। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है कि जो एक अध्यापक अगर उसके मुख्य कार्य की अगर हम बात करें तो जो उसका मुख्य कार्य है वो अपना पूर्व निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति, जो भी शिक्षा के उद्देश्य बनाए गए हैं, जो भी हम अपना चैप्टर पढ़ाते हैं, जो भी हमारा कंसर्निंग टॉपिक है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी हम अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स या जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो बनाते हैं, तो मेन उद्देश्य हमारा होता है कि ये हमारा मुख्य कार्य भी होता है कि हम उन ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करें जो हमने बनाए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। 1826 में किसने अध्यापक प्रशिक्षण योजना बनाई,
ऑप्शंस हमारे हैं थॉमस मुनरो, ऑप्शन बी है थॉमस बेल, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन और ऑप्शन डी है एंड्रयूज बेल। तो दोस्तों 1826 में जिसने अध्यापक प्रशिक्षण की योजना बनाई थी उनका नाम था थॉमस मुनरो, थॉमस मुनरो ने ही 1826 में टीचर्स को जो ट्रेनिंग देने की एक योजना बनाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रांट इन एड प्रथा का प्रारंभ विद्यालयों के लिए किस व्यवस्थापन के अधीन हुआ? ग्रांट इन एड, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आया है, महत्वपूर्ण है। ग्रांट इन एड जो प्रथा थी वो उसका जो प्रारंभ हुआ विद्यालयों में किस व्यवस्थापना के अधीन हुआ? ऑप्शंस हमारे हैं बुड घोषणा पत्र के द्वारा, ऑप्शन बी है मॉर्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत, ऑप्शन सी है स्टैनले घोषणा पत्र के द्वारा और ऑप्शन डी है बेल लिनकेस्टेरियन प्रणाली के द्वारा। तो दोस्तों जो ग्रांट इन एड प्रथा का जो प्रारंभ हुआ है वो हुआ है बुड घोषणा पत्र के व्यवस्थापन, बुड घोषणा पत्र ने जो ग्रांट इन एड जो प्रथा थी उसकी जो है विद्यालयों के लिए व्यवस्था की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ऑप्शंस हमारे हैं 1961, 1993, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है 1990 और डी ऑप्शन है 1983। तो दोस्तों जो एनसीईआरटी की स्थापना हुई है वो हुई है 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को वैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? NCTE, दोस्तों हम पिछले क्वेश्चन में बात कर चुके हैं जो संवैधानिक दर्जा है वैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था, आपको उत्तर इसका निश्चित तौर पर याद होगा। ऑप्शंस हमारे हैं 1973, दूसरा ऑप्शन है 1993, तीसरा ऑप्शन है 1990 और डी ऑप्शन है 1983। तो दोस्तों जो उसका सही उत्तर है वह है 1993 में जो है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था और इसकी स्थापना 1995 से मानी जाती है और 1973 से एक स्वतंत्र निकाय के रूप में, एक सॉरी स्वतंत्र निकाय नहीं कहेंगे, एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में जो है कार्य कर रही थी 1973 से ये, और इसको जो है वैधानिक दर्जा या संवैधानिक दर्जा 1993 में प्राप्त हुआ और 1995 से इसकी स्थापना विधिवत रूप से की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चैलेंज ऑफ एजुकेशन अ पॉलिसी परस्पेक्टिव्स किस वर्ष से संबंधित है? ऑप्शंस हैं हमारे सामने 1985, ऑप्शन बी है 1995, ऑप्शन सी है 1990 और ऑप्शन डी है 1980। दोस्तों जो सही उत्तर है इस प्रश्न का उसका वो है 1985 से जो चैलेंज ऑफ एजुकेशन है पॉलिसी परस्पेक्टिव जो है संबंधित है, सही उत्तर ऑप्शन ए 1985। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रोग्राम ऑफ एक्शन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 किस वर्ष से संबंधित है? हमारे सामने ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शंस हमारे हैं 1992, दूसरा ऑप्शन है 1986, तीसरा ऑप्शन है हमारा 1990 और चौथा ऑप्शन है हमारा 1991। तो दोस्तों प्रोग्राम ऑफ एक्शन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो संबंधित है ये 1992 से संबंधित है, 1992 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पुनरीक्षण समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए 1986 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसको विचार करने के लिए उस पर एक समिति बनी थी, पुनरीक्षण समिति, उसके अध्यक्ष थे। ऑप्शंस हमारे हैं, ऑप्शन ए है आचार्य राममूर्ति, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर डी एस कोठारी, तीसरा ऑप्शन है सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डी ऑप्शन है आचार्य कृपलानी। तो दोस्तों जो सही उत्तर है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति
पुनरीक्षण समिति के अध्यक्ष थे वो थे आचार्य राममूर्ति। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूर्व प्राथमिक अध्यापक शिक्षा में बच्चों के डैश को अधिक महत्व दिया जाता है, मतलब किसको अधिक महत्व दिया जाता है? ऑप्शन ए विकास को, ऑप्शन बी शिक्षा को, ऑप्शन सी खिलौनों से खेलने को और ऑप्शन डी पढ़ने को। तो दोस्तों पूर्व प्राथमिक जो अध्यापक शिक्षा में बच्चे के विकास को ऑप्शन का दिया है इसमें, ये सही उत्तर है, विकास को अधिक महत्व दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अध्यापक शिक्षा के सभी स्तरीय पाठ्यक्रमों में कम से कम 20% अंकों को आंतरिक मूल्यांकन के लिए निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव किस अभिकरण के द्वारा दिया गया? ध्यान रखिएगा, अध्यापक शिक्षा के सभी स्तरीय पाठ्यक्रमों में कम से कम 20% आंतरिक, जो इंटरनल असेसमेंट है उसमें 20% मार्क्स को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव जो है किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शंस हमारे हैं, ए ऑप्शन है UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, दूसरा ऑप्शन है NCERT, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो सही उत्तर है वह उत्तर है इसका आपका UGC के द्वारा ही जो अध्यापक शिक्षा के सभी स्तरीय पाठ्यक्रमों में कम से कम 20% अंकों को आंतरिक मूल्यांकन के लिए निर्दिष्ट करने का प्रयास जो प्रस्ताव था वो दिया गया था। बढ़ते हैं। पुनश्चर्या पाठ्यक्रम डैश अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम है, जो पुनश्चर्या पाठ्यक्रम है वो किस अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम है, किसके लिए है? सेवाकालीन के लिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है सेवा पूर्व के लिए, ऑप्शन सी है सेवा उपरांत और ऑप्शन डी है सेवा मुक्त। मतलब जो पुनश्चर्या पाठ्यक्रम है वो किसके लिए है? तो दोस्तों जो सही उत्तर है इसका वो है सेवाकालीन जो शिक्षक हैं उनके लिए जो प्रोग्राम है पुनश्चर्या पाठ्यक्रम सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा एक शिक्षा कार्यक्रम है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। शिक्षण अभ्यास के पूर्व के लिए सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जा सकता है। हमारे सामने ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए प्रशिक्षण, ऑप्शन बी व्याख्यान, ऑप्शन सी स्पष्टीकरण और ऑप्शन डी सूचना। तो दोस्तों जो शिक्षण पूर्व के अभ्यास प्रशिक्षण के लिए सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जा सकता है, ऑप्शन ए प्रशिक्षण इसके अंदर आएगा। इस जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है या कहें इसको सेंटेंस को पूरा करने के लिए कि जो शिक्षण अभ्यास के पूर्व प्रशिक्षण के लिए सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेषक डैश को कहते हैं, प्रेषक किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों संप्रेषणकर्ता को प्रेषक बोलते हैं, संप्रेषण ग्रहणकर्ता को बोलते हैं, ऑप्शन सी चैनल को बोलते हैं या ऑप्शन डी उपकरण को बोलते हैं। तो दोस्तों जो प्रेषक बोला जाता है वो संप्रेषणकर्ता को बोला जाता है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। तो प्रेषक संप्रेषणकर्ता को कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पूर्व धारणा अनुसार अधिगम डैश तत्वों का समुच्चय होता है, मतलब किस प्रकार के तत्वों का समुच्चय होता है? बिछिन्न, संकलित, ऑप्शन सी एकीकृत और ऑप्शन डी समावेशित। तो दोस्तों पूर्व धारणा अधिगम जो है वो विच्छिन्न तत्वों का समुच्चय होता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। योग्य अभ्यर्थियों को अध्यापक शिक्षा में सम्मिलित करने के लिए डैश को ठीक करना होगा, मतलब किस चीज़ को ठीक करना होगा? प्रवेश परीक्षा को, ऑप्शन बी पाठ्यक्रम को, ऑप्शन सी परीक्षण एवं मूल्यांकन को और ऑप्शन डी है शिक्षण विधि को। देखिए दोस्तों योग्य अभ्यर्थियों को अध्यापक शिक्षा में सम्मिलित अगर करना है, करना चाहते हैं, तो जो प्रवेश परीक्षा होती है, जो एग्ज़ाम होता है, हमें उसको ठीक करना होगा।
क्योंकि जितना अच्छा प्रवेश परीक्षा किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी वैकेंसी के लिए होती है, निश्चित तौर पर उतने अच्छे अच्छे कैंडिडेट हमें जो है मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उत्तम अध्यापक अध्यापिका के लिए डैश ज्ञान सर्व प्रमुख आवश्यकता है, विषय संबंधी, शिक्षण विधि संबंधी, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है पाठ्यक्रम और ऑप्शन डी है मनोविज्ञान। तो दोस्तों उत्तम अध्यापक या अध्यापिका के लिए जो विषय संबंधी ज्ञान है वो सर्व प्रमुख आवश्यकता है। सबसे पहले अच्छा अध्यापक बनने के लिए आपको आवश्यकता है कि आप के पास अपने विषय से संबंधित संपूर्ण ज्ञान हो। अगला प्रश्न देखते हैं, संप्रेषण डैश जितना कम होगा शिक्षण उतना ही अधिक प्रभावी होगा। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है अंतराल, ऑप्शन बी है काल, ऑप्शन सी है दक्षता और ऑप्शन डी है प्रस्तुति। दोस्तों ऑप्शन काखा गाघा में दिए हैं लेकिन ए बी सी डी आप समझिएगा इसको। तो दोस्तों ऑप्शन जो सही उत्तर है इसका वो है अंतराल, ऑप्शन का कह सकते हैं या ए कह सकते हैं कि संप्रेषण अंतराल जो कम्युनिकेशन गैप है जितना कम होगा शिक्षण उतना ही अधिक प्रभावी होगा। कक्षा में शिक्षण करते समय ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब शिक्षक मतलब अपना अध्यापन कर रहा होता है तो उसका और विद्यार्थियों के बीच में जब जितना कम्युनिकेशन गैप कम होगा है ना, उसका शिक्षण उतना ही प्रभावशाली होगा। जहाँ जब जब जो है एक विद्यार्थियों के लिए और एक शिक्षक के मध्य जो है कम्युनिकेशन गैप बढ़ जाता है तो जो है जो शिक्षण है वो उतना प्रभावशाली नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 किसने विकसित किया है। ऑप्शंस हमारे हैं NCTE ने, ऑप्शन बी है AICTE ने, ऑप्शन सी है RCI ने और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो अध्यापक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या की रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2009 है उसको विकसित जो किया है वो NCTE ने विकसित किया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के नियंत्रणाधीन नहीं है। ऑप्शन ए इंजीनियरिंग एवं तकनीकी शिक्षा, ऑप्शन बी प्रबंधन शिक्षा मैनेजमेंट एजुकेशन, ऑप्शन सी फार्मेसी शिक्षा और ऑप्शन डी अध्यापक शिक्षा टीचर एजुकेशन। दोस्तों जो सही उत्तर है, जो निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के नियंत्रणाधीन नहीं है वह है अध्यापक शिक्षा टीचर एजुकेशन। जो टीचर एजुकेशन है वो NCTE के अधीन है ना, तो ये जो है AICTE के नियंत्रणाधीन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण के अधिगम विधि का अर्थ है। ऑप्शंस हैं बच्चों को नए ज्ञान नए विषय के शुभारंभ करना, इमिटिएटिंग द चाइल्ड टू न्यू अ न्यू सब्जेक्ट, विशिष्ट अनुदेशन, दोस्तों अनुदेशन है ये, अनुदेशन के जरिए शिक्षण टीचिंग थ्रू स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन सी है समूह शिक्षण ग्रुप लर्निंग और ऑप्शन डी है उदाहरण के जरिए सामान्यकरण पर पहुंचना, अराइविंग टू एट जनरलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ फॉर एग्जांपल। दोस्तों शिक्षण में आगमन विधि का अर्थ, शिक्षण में आगमन विधि का अर्थ क्वेश्चन है हमारा ये। तो इसमें जो उसका सही उत्तर है वह उदाहरण के जरिए सामान्यकरण पर पहुंचना, अराइविंग एट जनरलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ फॉर एग्जांपल। मतलब सबसे पहले हम क्या करते हैं आगमन विधि में बच्चे को उदाहरण देते हैं और उदाहरण देने के बाद हम जो है किसी भी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, आगमन और निगमन विधि। दोस्तों आप मेरे वीडियो हैं शिक्षण वीडियो पर जो बन रहे हैं उसमें कुछ वीडियो बन चुके हैं, कुछ आगे प्रस्तावित हैं और करीब 25 से 26 शिक्षण वीडियो पर वीडियो बनेंगे, अभी 6-7 पर बने हैं। तो ये जो इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड हैं आगमन और निगमन विधि इस पर वीडियो बन चुके हैं, आप इसको डिस्कस मतलब वीडियोज़ में आप इसको देख सकते हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेडागोगी का अर्थ है, ऑप्शंस हैं शिक्षण का विज्ञान, साइंस ऑफ टीचिंग, ऑप्शन बी शिक्षण कला, आर्ट ऑफ टीचिंग, ऑप्शन सी संचार का विज्ञान, ऑप्शन डी एजिमिलेशन की कला, आर्ट ऑफ एजिमिलेशन। तो दोस्तों जो सही उत्तर है इस क्वेश्चन का, जो पेडागोजी है वो क्या है, वो शिक्षण का विज्ञान है, साइंस ऑफ टीचिंग कह सकते हैं, साइंस ऑफ टीचिंग है जो पेडागोजी है, शिक्षण का विज्ञान। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षक सशक्तिकरण का अर्थ है, शिक्षक सशक्तिकरण, ऑप्शंस हमारे हैं शिक्षकों को अधिकृत करना कि वे खुद निर्णय लें कि उसे क्या और कैसे पढ़ाना है, अथॉरिटी ऑफ द टीचर्स टू डिसाइड व्हाट टू टीच एंड हाउ, ऑप्शन बी है छात्र अनुशासन के लिए पूर्णतः अधिकृत करना, कंप्लीट अथॉरिटी फॉर स्टूडेंट डिसिप्लिन, ऑप्शन सी है स्कूल प्रशासन की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू एडमिनिस्ट्रेटर स्कूल, और ऑप्शन डी है शिक्षकों को उच्च वेतन देना। तो दोस्तों जो शिक्षकों का सशक्तिकरण का जो यहाँ अर्थ है वो अर्थ है ऑप्शन ए शिक्षकों को अधिकृत करना कि वे खुद निर्णय लें कि उसे क्या और कैसे पढ़ाना है, ये ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। एक शिक्षक परीक्षार्थियों को नकल करने से प्रभावी ढंग से कैसे रोक सकता है, ऑप्शन ए है कड़ाई पूर्वक निरीक्षण करके, स्ट्रिक्टली इन्वेस्टिगेशन, ऑप्शन बी है हमारा नकल के लिए कठोर दंड, स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट फॉर चीटिंग, ऑप्शन सी है ईमानदारी विकसित करके, इनकलकेटिंग ऑनेस्टी एज एन इम्पोर्टेंट वर्च्यू, और ऑप्शन डी है नकल करने वालों का सामाजिक बहिष्कार करने के लिए बाध्य करना, फोर्सिंग सोशल बायकॉट ऑफ दोज हु चीट। तो दोस्तों एक शिक्षक जो परीक्षार्थी को नकल करने के प्रभावी ढंग से रोक सकता है, ऑप्शन सी ईमानदारी विकसित करके, इनकलकेटिंग ऑनेस्टी ऑनेस्टली एज एन इम्पोर्टेंट वर्च्यू के रूप में ईमानदारी विकसित करना, अगर ऐसा कर पाता है शिक्षक तो ये नकल रोकने के लिए एक प्रभावी तरीका होगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षा मित्र अथवा सरस्वती पुत्र शब्द का इस्तेमाल किसके लिए होता है, ऑप्शन ए उच्च शिक्षा एवं अध्यापक शिक्षा अर्हता वाले व्यक्तियों के लिए, पर्सन विद हाई जनरल एंड टीचर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ऑप्शन बी है गरीबों के बीच शिक्षा के प्रचार शिक्षा के प्रसार के लिए कार्यरत गैर सरकारी संगठन एनजीओ वर्किंग फॉर स्प्रेडिंग एजुकेशन एमंग द पुअर्स, ऑप्शन सी है अभिभावक शिक्षक एसोसिएशन के सदस्य मेंबर ऑफ पेरेंट टीचर एसोसिएशन, और हमारा ऑप्शन डी है समुदाय द्वारा ग्रामीण इलाकों के प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने के लिए नियोजित व्यक्ति, पर्सन एम्प्लॉयड बाय द कम्युनिटी टू टीच इन प्राइमरी स्कूल्स मेनली इन रूरल एरियाज। तो दोस्तों जो शिक्षा मित्र या सरस्वती पुत्र कहें इन शब्दों का इस्तेमाल होता है समुदाय के द्वारा ग्रामीण इलाकों के प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने के लिए नियोजित व्यक्तियों से, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को कौन मान्यता देता है, ध्यान रखिएगा विशिष्ट शिक्षक प्रशिक्षण, ऑप्शन है हमारे NCTE, ऑप्शन बी है हमारा RCI, ऑप्शन सी है हमारा MCI, और ऑप्शन डी है NCERT। तो दोस्तों जो विशिष्ट शिक्षण पाठ्यक्रमों को जो मान्यता देता है वो RCI देता है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ही विशिष्ट जो शिक्षण प्रशिक्षण के प्रोग्राम हैं उनको मान्यता दी जाती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य में उच्च शिक्षा अध्ययन शिक्षा संस्थान नहीं है, ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मिजोरम, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी है, जो मणिपुर है मेघालय है या मिजोरम है पूर्वोत्तर राज्यों में उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान नहीं है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को संवैधानिक दर्जा मिला, ऑप्शन ए है 7वीं, ऑप्शन बी है 8वीं, ऑप्शन सी है 9वीं, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को जो संवैधानिक दर्जा मिला था वो मिला है आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना में।
नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है आपके अध्यापक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय की संकल्पना किसके तहत की गई? प्रोग्राम ऑफ एक्शन POA के द्वारा, ऑप्शन ए था, ऑप्शन बी नई शिक्षा नीति 1986 न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा, ऑप्शन सी शिक्षा आयोग की रिपोर्ट रिपोर्ट ऑफ एजुकेशन कमीशन के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय की संकल्पना किसके तहत की गई है, वो प्रोग्राम ऑफ एक्शन के तहत जो है इसकी संकल्पना दोस्तों की गई है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो और आज के हमारे क्वेश्चंस थे। निश्चित तौर पर मैं आशा करता हूँ कि सारे प्रश्न आपको पसंद आए होंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और अगर मैं फिर वही बात अपनी दोहराना चाहूँगा कि अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई डाउट है, कोई संदेह है, तो निसंकोच कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स लिखें, मैं उस क्वेश्चन का उत्तर प्रयास करूँगा कि आपको सही उत्तर मिले। मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चंस के उत्तर सही दिए हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि जिसमें आपको डाउट है, तो आप निश्चित तौर पर मेरे से जो है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बात कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का उत्तर देने का भरसक प्रयास करूँगा। लेकिन हाँ, अभी दो चार दिन मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, करीब आप मानकर चलें कि 18 या 19 तक जो है मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा, मैं आपके कमेंट्स का शायद उत्तर न दे पाऊँ, लेकिन उसके पश्चात मैं आपके कमेंट्स का उत्तर ज़रूर दूँगा। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और हाँ देखना ना भूलें हमारा अगला जो पार्ट है, जो हमारा अगला वीडियो होगा वो हम लाएंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जो टॉप 50 क्वेश्चंस हैं, महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस पर निश्चित तौर पर उन क्वेश्चन के अंदर से ही आपके एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो अगला वीडियो आप देखना न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।